हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया और आप देख रहे हैं लारावेल लाइव वायर। तो आज हम देखेंगे इंस्टॉलेशन, कैसे इंस्टॉल करना है इसको। तो सबसे पहले हम न्यू लारावेल को इंस्टॉल कर लेते हैं, जैसे आप करते आ रहे हैं लारावेल न्यू और उसके बाद एप्लीकेशन नेम, ऐप नेम। यहाँ मैं ऐप नेम दे रहा हूँ लारावेल, क्योंकि मेरे पास इसका इंस्टॉलर पहले से है, इसलिए मैं ये कमांड दे रहा हूँ। वरना आपको क्या करना होगा, कंपोजर का कमांड देना होगा, कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट। तो देखिए इस तरह से ये शो करेगा, यानी कि सब कुछ ठीक है। तो यहाँ अब लारावेल नाम की एक इसने डायरेक्टरी बना दी है मेरे लोकल होस्ट पर, और क्योंकि मैंने ऊपर पाथ दिया था XAMPP और htdocs, तो वहीं क्रिएट करेगा ये डायरेक्टरी। तो देखिए जैसे, और आगे भी मैं इसके जो वीडियोस बनाएंगे बहुत ही वीडियो ऐसे होंगे कि आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा। ये नई सीरीज शुरू कर रहे हैं हम, और बहुत ही बढ़िया सीरीज रहने वाली है। अभी तो हम इसमें कोई भी स्कार्फ फोल्डिंग यूज नहीं करेंगे, ना जेट स्ट्रीम और ना ही लारावेल यूआई, कोई ऐसा नहीं है। बस हम अभी पढ़ेंगे लाइव वायर के बारे में, कैसे कॉम्पोनेंट क्रिएट करते हैं, कैसे फॉर्म बनाते हैं, कैसे हम कंपोनेंट के जो प्रॉपर्टीज होते हैं उनको एक्सेस करते हैं ब्लेड में, ब्लेड टेम्पलेट में। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो देखिए यहाँ इंस्टॉल्ड हो चुका है मेरे सिस्टम पर। तो अभी तो हमने लारावेल को इंस्टॉल किया है, अब हम इसका पैकेज देखिए यहाँ पर ये दिखा सकता हूँ। मैं ये फोल्डर आ गया मेरा सबलाइम एडिटर में, आप कोई भी एडिटर यूज कर सकते हैं। अब मुझे ये पैकेज लाइव वायर का जो पैकेज है वो इंस्टॉल करना है, तो मैं लिखूंगा कंपोजर रिक्वायर लाइव वायर स्लैश लाइव वायर, ठीक है। तो ये जो पैकेज है ये हमारा इंस्टॉल हो जाएगा, और फिर हम समझ लिए उसके बाद एक दो कमांड और देंगे, वो हमारे लिए तैयार हो जाएगा लाइव वायर में काम करने के लिए। लाइव वायर आप समझ सकते हैं फुल स्टैक फ्रेमवर्क कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें इवेंट्स वगैरह होंगी, फॉर्म्स हैं, पेजिनेशन है, मतलब फ्रंट एंड का भी काम है इसमें और बैक एंड पर भी। जो कंपोनेंट्स हैं एकदम क्लासी होती है, एक तरह से वो क्लास बनाते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज एक्सेस कर सकते हैं, उसमें मॉडल मॉडल की जो मॉडल को एक्सेस कर सकते हैं आप। तो देखिए लाइव वायर आपको देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये पैकेज हमारा इंस्टॉल हो गया। तो ये हमारा तैयार हो गया इतना, तो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर इसने क्या किया। कंपोजर अगर फाइल देखेंगे composer.json, तो आप यहाँ पूरा जो डिफॉल्ट पैकेजेस है वो यहाँ गए, और लाइव वायर और लाइव वायर जो पैकेज है वो भी हमारा यहाँ, तो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। ये तो काफ़ी आप कर चुके हैं, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब हम जो कंपोनेंट क्रिएट करेंगे इसमें, पहला वीडियो में बनाऊंगा, तो वो कहाँ पर होंगे मैं इसको पहले ओपन करके देख लेते हैं आ क्या रहा है इसमें। तो मैं यहाँ रन कर लेता हूँ, XAMPP ओपन कर लेता हूँ, और XAMPP ओपन करने के बाद ब्राउजर पर मैं देखूंगा। ये मैंने ओपन किया, तो यहाँ पर मैं इसको चला के देखता हूँ कि पेज किस तरह से डिस्प्ले हो रहा है, जिससे आपको पता चल जाए कि देखिए सिंपल वही है जो लारावेल आप इंस्टॉल करते हुए काम करते आ रहे हैं, सिंपल वही पेज है वेलकम का, और कुछ नहीं है दिखे अभी, ठीक है। अब इसको पैकेज के डालने के बाद जो हम काम करेंगे, कंपोनेंट्स बनाएंगे, फॉर्म बनाएंगे, और कंपोनेंट को फिर ब्लेड जो टेम्पलेट होंगी उसमें हम देखिए, एक तो रिसोर्स का जो व्यू फोल्डर है यहाँ पर, ये वेलकम टेम्पलेट चलती है जैसे आपको पता है, सबसे पहले यही आती है। तो इसका मैं बैकअप बना लेता हूँ, और इस पेज को मैं यहाँ से फालतू चीज़ हटा देता हूँ, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्या करना है। और जब आप कंपोनेंट बनाएंगे, जब भी आप कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, तो उसकी दो फोल्डर क्रिएट होंगे, एक तो आपका व्यू के अंदर लाइव वायर नाम का फोल्डर होगा जिसमें लाइव वायर का व्यू होगा, और दूसरा मैं इसमें देखिए यह नई वेलकम डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी क्रिएट कर लेता हूँ, जिसको खाली रख देता हूँ, मैं फालतू चीज़ हटा देता हूँ। तो और दूसरा फोल्डर क्रिएट होगा ऐप के अंदर HTTP में, वो भी लाइव वायर नाम से होगा, उसमें कॉम्पोनेंट होगा यानी कि क्लास होगी। तो जैसे कि आपने कंट्रोल में काम किया, हमारी क्लास होती है, फिर आप व्यू में उसकी वैल्यूज या मॉडल्स की वैल्यूज डिस्प्ले कराते हैं, ठीक वही काम है इसमें कंपोनेंट का। तो आप कह सकते हैं कि व्यू के साथ ही हमें काम करना है इसको लेकर, किसी भी व्यू टेम्पलेट में आप इसको
कंपोनेंट को रेंडर करा सकते हैं, ये खासियत। तो मैं ये सारी चीज़ें फालतू चीज़ हटा देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि लाइव वायर जब आप यूज करेंगे तो उसमें करना क्या होता है। एक छोटा सा काम करना होता है, जो भी आप अगर वेलकम है तो वेलकम डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी में करें तो इसमें, या फिर आप लेआउट बनाएंगे मेन ऐप डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी या उसमें ये काम करेंगे। डायरेक्टिव यूज करेंगे, मैं बताता हूँ आपको डायरेक्टिव कैसे यूज करनी है, और फिर उसको मैं आपको बताऊँगा व्यू सोर्स करके आपको क्या क्या चेंज हुआ है उसमें, क्या दिखाई दे रहा है। तो जैसे आप स्टाइल वगैरह लगाते थे तो स्टाइल्स लगाते थे, सी एस एस की स्टाइल्स ही क्या थी, तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ इसका टाइटल चेंज कर लेता हूँ, तो वो सारी चीज़ें देखेंगे। एक डायरेक्टरी, हाँ ये देखिए यहाँ पर अभी फिलहाल वही आप देख सकते हैं कि ये जो हमने चेंज किया वो वाला वेलकम पेज है। एक डायरेक्टरी होती है यहाँ पर एट द रेट लाइव वायर स्टाइल्स, तो उसमें सारी स्टाइल्स होंगी लाइव वायर की, वो यहाँ आ जाती है। व्यू सोर्स करके दिखाऊंगा मैं। और बॉडी से पहले आप जो स्क्रिप्ट लिखते थे स्क्रिप्ट, उसकी जगह आप लिखेंगे एट द रेट लाइव वायर, देखिए स्टाइल हो गया, और नीचे लिखेंगे यहाँ पर लाइव वायर स्क्रिप्ट, तो इसमें जितनी भी जेएस की फाइल होंगी वो यहाँ पर लोड हुआ करेंगी। करेक्ट, बिल्कुल वही भाई, दो डायरेक्टरी भी होगी। ठीक है, अगर मैं इसको हटाकर पहले दिखाता हूँ आपको व्यू सोर्स करके पेज का कि अब क्या कैसा लग रहा है, उसके बाद कैसा लगेगा। तो व्यू सोर्स पर ओपन कर लेता हूँ और देखिए यहाँ पर क्या, यहाँ पर सिर्फ एक लिंक दिखाई दे रहा होगा आपको, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, ना स्टाइल्स हैं यहाँ पर ना स्क्रिप्ट हैं। मैंने यहाँ स्टाइल और स्क्रिप्ट लिख देता हूँ और फिर चेंजेस देखते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने रिफ्रेश किया पेज को, ओपन किया और व्यू सोर्स ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ देखिएगा स्टाइल की जगह स्टाइल, व्यू सोर्स करना था मुझे, इंस्पेक्टर पर चला गया। अब देखिए यहाँ देखिए यहाँ आप देख सकते हैं आप स्टाइल्स और स्क्रिप्ट्स, मैं बताता हूँ नीचे जो देख रहे हैं आप लाइव बार, ये स्क्रिप्ट्स हैं, ये पूरा स्क्रिप्ट है जो आपने वहाँ स्क्रिप्ट डायरेक्टिव यूज किया है। ठीक है ना, तो अपने आप यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाती है। ठीक है, और यहाँ मैं स्टाइल दिखा देता हूँ आपको एट द रेट लाइव बार स्टाइल्स, जो आपने लिखा था उसका जगह क्या हुआ है। तो आप यहाँ से यहाँ नीचे तक देख सकते हैं लाइव वायर की फाइल से जो भी है ऑब्जेक्ट बन रहा है क्या है सब। ठीक है, वो यहाँ आ जाती है इस तरह, बस इतना काम करना होता है, ये सारा अपने आप आता है। तो लाइव वायर एक बहुत ही बेहतरीन जो है एक पैकेज कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि फुल स्टैक फ्रेमवर्क है जिसमें आप फॉर्म बना सकते हैं, कॉम्पोनेंट बनाते हैं, यानी कि कैसे क्लास बना रहे हैं उसको व्यू में रेंडर कर सकते हैं, मतलब पूरा फ्रंट एंड और बैक एंड पर काम कर रहे हैं आप। तो आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है कि बहुत ही बढ़िया होने वाला है लाइव वायर, और बहुत ज़्यादा इसमें काम आएगा और बढ़ेगा आगे, अभी तो है, आगे भी और बढ़ना है। तो